नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम नहीं रहे। अगर ये बात मैं आज आपसे कहता हूँ तो ये शायद गलत नहीं होगा। आपको भी ये सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम कैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि जो बिल बीजेपी की सरकार लेकर आई है उसके अकॉर्डिंग अब सारी मेजर पावर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी और अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी पावर या कोई भी अधिकार नहीं होगा। यानी केजरीवाल अब सिर्फ नाम के लिए ही मुख्यमंत्री होंगे और सारा का सारा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन से ही होगा, क्योंकि दिल्ली सर्विस बिल संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है। 7 अगस्त को राज्यसभा में पास होने के साथ ये बिल एक कानून बन गया। 7 अगस्त को जब राज्यसभा में वोटिंग हुई तो बिल के विपक्ष में 102 वोट गिरे, वहीं बिल के पक्ष में 131 वोट गिरे। बीजेपी के अकॉर्डिंग इस बिल का मकसद दिल्ली में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम सब जानते ही हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल दूध की धुली हुई है और इस पार्टी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन ये तो पूरा देश जानता है कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और करप्टेड लोग किस पार्टी में शामिल हैं। बीजेपी के नेता पहले खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं दूसरों पर और फिर उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। खैर, अब इस बिल के पास हो जाने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास अब कोई भी पावर नहीं रह गई है। अब बिना LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के मंजूरी के बिना केजरीवाल की सरकार ना तो किसी सरकारी ऑफिसर की पोस्टिंग कर सकती है और ना ही किसी को हटा सकती है, और दिल्ली के दूसरे बाकी कामों के लिए भी दिल्ली सरकार को LG से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर LG ने उस काम के लिए मना कर दिया तो दिल्ली की सरकार उस काम को कभी भी नहीं करा सकती। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सारे फैसले सारे डिसीजन केंद्र सरकार ही करेगी तो दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का क्या मतलब बनता है, इसका क्या फायदा है, और उस इलेक्शन का क्या फायदा जब चुनी हुई सरकार कोई फैसला ले ही नहीं सकती। और अगर आने वाले कुछ टाइम में केंद्र सरकार दिल्ली में इलेक्शन कराना ही बंद कर दे तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनका टारगेट ही यही है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पावर इनको ही चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ये बिल सही है या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताएं।